गजब की निरंतरता है जी, कौनो सुधार नहीं किया न बिहार में न खुद में, ये कहना है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व सीएम ब्रावरी देवी का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार की तरफ से नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठ भी रहे हैं विपक्ष की ओर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि आखिर 16 सालों में आपने किया क्या है, आखिर बिहार की स्थिति ऐसी क्यों है कि इस नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। और इसी को लेकर अब रावड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल किया है और उन्होंने कहा है कि आपने ना ही खुद में सुधार की है और ना ही आपने बिहार में ही कोई सुधार किया है। इसको लेकर रावड़ी देवी ने ट्वीट किया है और क्या कुछ लिखा है उस ट्वीट में, पहले सुनिए। रावड़ी देवी लिखती है, स्वयं घोषित सुशासन कुमार ने अपना बुरा प्रदर्शन बरकरार रखते हुए हर साल की भांति इस बार भी बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा है। गजब की निरंतरता है जी, कौनो सुधार नहीं किया न खुद में न बिहार में। तो इस ट्वीट के जरिए रावड़ी देवी ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है और उनसे पूछा है कि आखिर बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से भी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष पूछ रहा है कि यह रिपोर्ट तो आप ही के सरकार ने बनाई, केंद्र में बीजेपी सरकार है और बीजेपी आपके साथ गठबंधन में है, लेकिन आपके सरकार ने ही आपके बिहार को सबसे नीचे पायदान पर रखा, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है और यही कारण है कि बिहार इस रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है। लगातार विपक्ष की ओर से हमले तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ऊपर आरोप को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। उन पर विपक्ष जब आरोप लगाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें चुप करवा देते हैं और यही कारण है कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल होते हुए दिख रहे हैं। सरकार की खामियां अगर कोई गिनवाने चले तो सरकार उसका मुंह बंद करवा देती है, लेकिन इस वक्त कटघरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हैं क्योंकि इस नीति आयोग में साफ देखने को मिल रहा है कि बिहार का विकास स्तर कितना नीचे गिर चुका है और यही कारण है कि नीति आयोग के इस रिपोर्ट में बिहार सभी राज्यों से पीछे है और इतना पीछे है कि सबसे आखिरी पायदान बिहार को ही मिला है। और सबके बीच विपक्ष का हमला करना लाजमी है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, चाहे हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, हर तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है। और आखिर सवाल पूछे क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से यह रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह से बिहार की दुर्दशा देखने को मिल रही है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 16 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया क्या है। और इसको लेकर अब रावड़ी देवी ने एक अलग अंदाज में और अपने स्टाइल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है और उन्होंने सीधे कहा है कि उन्होंने ना ही खुद में कोई सुधार किया है और ना ही बिहार में कोई सुधार किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।